इसलिए मैं वेंकट रामलू साहब को वायदा करता हूँ कि आपकी जो जो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली ने दारुशफा इलाके के नाबिनाओं के स्कूल में ज़ेर तालीम मुस्लिम बच्चों के लिए ब्रेल कुरान मजीद के नुस्खों का तोहफा दिया, जिसकी एक नाबिना तालिब इल्म ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की थी। इस मौके पर जनाब महमूद अली ने मसरत का इजहार किया और नाबिनाओं के इस्लाम की तरफ रगबत की सताइश करते हुए कहा कि हुजूर निज़ाम के दौर हुकूमत में जिस तरह हर तबके के साथ इंसाफ और मजहबी रवादारी का पास व लिहाज किया जाता था, आज चीफ मिनिस्टर मिस्टर के सीआर की ज़ेर क़यादत रियासत की TRS हुकूमत भी इस तरीक़ार को अपनाई हुई है और वो हर एक मज़हब का ना सिर्फ एहतराम करती बल्कि इनको पूरी आज़ादी के साथ इबादत व तबलीग का मौका भी फराहम करने पर यकीन रखती है। इन्होंने कहा कि नाबीना तलबा की ख्वाहिश पर हुकूमत ने कोयस से ब्रेल कुरान मजीद के नुस्खों को मंगवा कर इनमें तकसीम किया, जो खुद TRS हुकूमत की मजहबी रवादारी की मिसाल है। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ रजा इलाही की खातिर इसके इंतज़ाम को अपना फ़र्ज समझते हैं ताकि आखिरत में इसका अजर मिले। यो कोई सियासी खलाबाजी नहीं बल्कि बहसियत मुसलमान उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है। ब्लाइंड बच्चे तो हमारे अपने बच्चे, वो लीडर ही नहीं होता। खासतौर से मैं हमारे वेंकट रेड्डी साहब को बता रहा हूँ, वेंकट रामलू साहब को। इस्लाम में भी हमारी एक बात अहम है, अगर कोई लीडर अपनी आवाम को अपने बच्चों की तरह नहीं देखता, उनकी दुख दर्द तकलीफ नहीं करता, तो भगवान उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं देते। जैसी ना हैदराबाद न्यूज़ urdu.com